गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये मॉर्निंग में उठ के ना सबसे पहले मैं बिस्तर सही कर रही थी और आज मुझे ना बेडशीट भी चेंज करनी थी। पहले मेरी हैबिट ऐसी नहीं थी कि मैं सुबह उठूं और सबसे पहले बिस्तर सही करूं, लेकिन शादी के बाद से मैं ऐसा कर रही थी। और ये एक आध चादर ना मैं ऐसे बिना तय करे रख रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके आने वाले थे और उसके बाद ना वो उठा के दोबारा ओढ़ने वाले थे, तो एक दो घंटे में वो आने वाले थे, इसलिए मैं सारा उठा के रख दिया था, बस एक चद्दर और तकिया छोड़ दिया था। उसके बाद बेडशीट वगैरह सब मैंने चेंज करके और फिर मैं आगे के दूसरे काम के लिए गई। और मुझे लगता है ये पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, क्योंकि पहले मम्मी करती थी। मम्मी के टाइम पे ना सबकी आदत बिगड़ी रहती है, सबको पता रहता ना कि ऐसे उठेंगे तो मम्मी कर देंगी, तो उठ के हम लोग ऐसे चले जाते थे, कुछ काम नहीं करते थे। तो वैसे ही आदत मेरी भी कुछ थी पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं सबसे पहले सारा ये सब काम करती हूँ मॉर्निंग में। सबसे पहले तो अभी तो ऐसे मेरी आदत बन गई है कि हाँ मॉर्निंग में सबसे पहले मुझे बिस्तर सही करना है। पहले कैसा होता था कि अगर हम नहीं करके जाते थे, फिर हम जब लौट के आते थे या कहीं बाहर चले जाते थे बिना बिस्तर सही करे, तो जब हम लौट के आते थे ना तो हमें सही मिलता था, तो हम लोग की आदत नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर मैं ना सही करूं और फिर मैं किसी काम के लिए या ऑफिस चली जाऊं या किसी काम के लिए बाहर चली जाऊं, जब लौट के आती हूं ना तो बिस्तर फिर वैसे ही मिलता है। और वो देखने के बाद, वैसा देखने के बाद ना आपको एकदम अच्छा फील नहीं होता है। अगर आप कहीं से टायर्ड होके आए हो और फिर आप देखो कि आपके बिस्तर ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है, तो आपको अच्छा फील नहीं होता है। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, मम्मी लग सही कर देती थी, हम लोग को सही मिलता था, हम सही करें चाहे ना करें। उसके बाद पेपर देखा मैंने, तो मैं थोड़ी देर पेपर देखने लगी थी। मौसम आज का बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, तो मुझे ऐसा फील आ रहा था ओके मैं जाऊंगी तो मुझे अच्छा फील होगा, मतलब गर्मी नहीं लगेगी। मेन रीज़न यही है मौसम देखने का कि गर्मी नहीं लगे। खाना मुझे बनाना था तो फिर मैंने खाना बना लिया फटाफट सुबह उठ के। यही दो काम मेन होते हैं, बाकी सारे काम तो मैं बाद में ही करती हूँ कि सुबह सुबह खाना बन जाए। और सबसे पहले आज मैंने एक्स्ट्रा में एक काम बढ़ा लिया था कि मैंने सोचा था कि मैं किचन के सारे ड्रॉअर जो वो अलमारी वगैरह है ना, वो मैं सही करने का मैंने सोचा था, तो मैंने वो सारा ऐसे फैला दिया था। फिर उसको सही करने में मुझे एक घंटा लग गया था। ऑफिस में लेट जाना था आज, तो इसलिए मैंने वो सारा सब फैलाया था, वरना मैं टाइम देख के ही फैलाती हूँ, सब भी कर लिया था। फिर ये इवनिंग को आके मैंने ये क्या बोलते हैं ठंडाई बनाई थी। जो लोग यूपी से होंगे ना उनको पता होगा कि होली पे हम लोग ठंडाई पीते हैं ना, ये हमने होली पे मंगाई थी। हम यूपी में तो अभी नहीं हैं, लेकिन हाँ हम मिस हर चीज़ वो करते हैं जो हम यूपी में यूज़ करते थे, खाते थे। स्पेशली खाना, खाने की चीज़ें ना जो यूपी में हम लोग यूज़ करते थे ना, वो बेस्ट लगती थी। और हम लोग को ऐसा कुछ खाने को इधर नहीं मिलता, तो हम जो चीज़ ऑनलाइन मिलती है ना जो वहाँ के टेस्ट का होता है वो सब मंगा लेते हैं। होली पे हमने जो ठंडाई मंगाई थी वो अभी तक चल रही थी, तो वो हम मैंने शाम को आके ना, और आप गर्मियों में ना आपको वो बेस्ट लगती है पीना, और मतलब तो फीलिंग ही अलग होती है उसका। उसके बाद शाम को मैंने आके चेंज करके फिर खाना खाया। और जब आपका दिन इतना प्रोडक्टिव होता है ना कि घर का भी सारा काम संभालो और उसके बाद ऑफिस भी जाओ फिर लौट के आओ, तो शाम को ना आपको थोड़ा टायर्डनेस फील हो ही जाती है। भले आप पूरा दिन बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करते हो, ज़्यादा कहीं आपको चलना फिरना नहीं होता है, घूमना फिरना नहीं होता है, आपको खाली ऑफिस में जाके बैठ के काम ही करना होता है, लेकिन फिर भी आप माइंड से ना इतना टायर्ड फील करने लगते हो ना कि शाम को जब आप घर लौट के आते हो ना, आपको हिम्मत नहीं बचती है कि आप कुछ और करो। वैसे तो सिर्फ मुझे खाना बनाना होता है, साफ सफाई के लिए आंटी आती हैं, लेकिन फिर भी नहीं मन करता है। और पूरे दिन फिर वो रेडी होके रहना, और मुझे ना ऐसे घर पे ऐसे बिखरे बिखरे रहना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो लोग ऐसा घर पे रहते हैं उन्हें पता होगा कि घर पे ऐसे रहो ना तो घर के वो पुराने कपड़े और ख़राब सा हेयर स्टाइल, उसी में आपको एकदम सुकून महसूस होता है, उसी में आपको अच्छा फील होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं जब तक घर में ना ऐसे अपने पुराने कपड़े ना पहनूं, ऐसे बाल अपने जूड़े ना बनाऊं, तब तक मुझे अच्छा फील नहीं होता है। शाम को मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी थी इस टाइम पे, लेकिन मैं आपको ये ड्रेस दिखा रही थी, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही थी। ओके, दिस इज़ द माई फर्स्ट ब्लॉग, सो
आप जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट करें जिससे मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पे गई थी, पानी बरस रहा था इसलिए, और फिर मैं शाम आके सो गई क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ के मुझे ऑफिस जाना था। ओके बाय, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।